आज एक विशेष दिन है क्योंकि आज हम एक चुनौती लेकर आए हैं जिसमें काले रंग के खिलाफ गुलाबी रंग और गुलाबी के खिलाफ काला होने जा रहा है। किसे पता यह कैसा होगा, पर शुक्र है कि हमें बस आराम से बैठकर इस वीडियो का आनंद लेना है। तो चलो देखते हैं, यह शुरू होने ही वाला है। ओ जरा रुको, हमारे पास यह कौन सी विशालकाय डिश है? ओ इतना बड़ा बर्गर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अहमद अपना तुरंत खाने के लिए तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है और इससे उसकी भूख काफी बढ़ गई है। हालांकि कुछ केचप की जरूरत है। जबकि लिली अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है, अहमद थोड़ी शरारत के साथ आती है। क्यों ना इस कपड़े को उस बर्गर के ऊपर चीज की जगह डाल दे। यह मजेदार होने वाला है। ओ, वो उसके चाल में फंस गई। छोटी सी लड़की जो गुलाबी रंग में है, उसने उसकी ताकत को कम करके आंका और वह बर्गर टुकड़ों में बिखर गया। अब इसे साफ करने में तो बहुत समय लगेगा। एक शक्कर यकीनन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा जरूर है। वहीं हमारी दूसरी प्रतियोगी के पास एक असली खजाने का टुकड़ा है। अब यही तो वह चीज है जिसका सपना सभी मीठा पसंद करने वाले देखते हैं। एमा का इसे शेयर करने की कोई योजना नहीं है और लिली घुटनों पर बैठकर कोई भीख नहीं मांग रही है। वह अपने छोटे हिस्से का यथासंभव आनंद लेगी। इसका फ्लेवर आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, इसलिए लिली बहुत खुश है। पता नहीं एमा इतने बड़े शक्कर को कैसे खाने की योजना बना रही है। ओ कुछ तो बताओ कि उसके पास कोई योजना है। मुझे तो डर है कि इस तरह से तो इस दौर में पूरे दिन लग जाएंगे। बोरिंग या नहीं, एमा इसके लिए कोई भारी भरकम उपकरण लेकर आई है। अच्छी सोच है। वाह अब इसे तो कोई आविष्कार कह ही सकते हैं। हालांकि जरा रुको, यह कैसी गंध है? ओ उसकी जीभ ठीक तो है? उसे जरूर दर्द महसूस हो रहा होगा। लिली अपने दोस्त को बचाओ जल्दी। और एक बाल्टी पानी और एमा की जीभ ठंडी हो गई। हाँ कभी कभी बहुत जल्दी करना अच्छा नहीं होता। जरा रुको, हमने कोई कैक्टस ऑर्डर नहीं किया है। यह खाने वाली चीज नहीं है और यह भयानक कटीले भी हैं। अब समय है कुछ उपाय लगाने का। अच्छी बात है कि एमा किसी भी बात को जल्दी सोच लेती है। बिना कांटों के यह पौधा बेहतर दिखता है। ओ पर इसका स्वाद अभी भी बहुत खराब है। लिली और भी बेहतर तरीके के साथ आती है। ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल ताजा हो गई है। अब आगे बढ़ते हुए, गम कैक्टस से हजार गुना बेहतर होता है। इस चीज से हर किसी को प्यार होता है। ये दोनों भी कोई अपवाद नहीं है। एमा पहले ही अपने रोल को खोल चुकी है और अपने काम पर लग चुकी है। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब यह एक बहुत बड़ा बबल बनने जा रहा है। खैर वह तब तक था जब तक कि लिली की नजर उस पर नहीं पड़ी थी और बूम। एमा अब कुछ कुछ मॉन्स्टर की तरह दिख रही है। ठीक है लिली, हमें दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है। क्लासिक गुलाबी बबल गम, सबसे अच्छा। एमा यह भूली नहीं है कि उसके बबल के साथ क्या किया गया था और उसे बदला लेने के लिए एक दुष्ट योजना मिल गई है। जबकि लिली अपने गम को चबाने में व्यस्त है, वहीं एमा यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि इस सब का भव्य समापन कैसे होगा। ओ यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोज नहीं देखते। तुम्हारी यात्रा शुभ हो लिली, बाद में मिलते हैं। तैयार हो जाओ लड़कियों, इन होठों को देखो। क्या एमा ने इतने बड़े होठों का सपना देखा था? पता नहीं उसे इतने बड़े आकार का चाहिए या नहीं। हालांकि अभी अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है, उंगली चाटकर खाने जितना स्वादिष्ट। ओ और इसके अंदर एक सरप्राइज फिलिंग भी डाली गई है। मैं बस सोच सकती हूँ कि यह कितना स्वादिष्ट होगा। एमा को तो यह कमाल का लग रहा है। लगता है कि स्ट्रीट के साथ कुछ परिणाम भी आए हैं।
अच्छी मूछ है एमा, वास्तव में ये उस पर बुरा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? लिली को बहुत मजा आ रहा है पर एमा को मजाक बनना पसंद नहीं है। निराश मत हो दोस्त, अपने गुस्से में वो बगल में बैठी हुई लड़की पर हमला करती है, कुछ भी जो उसके ऊपर से ध्यान हटा दे। एमा इस हद तक गई कि उसके सिर के ऊपर सिरप गिरा दी। कितनी असिस्ट है वो, कितना चिपचिपा है। अब खेल उल्टा पड़ गया और एमा वापस से खुश है। मैकरोन्स, ओ मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है इस समय, यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। जैसा कि आप कह सकते हैं, लिली इस हल्की और कुरकुरी चीज की बहुत बड़ी प्रशंसक है। इसके तो वह 100 भी खा सकती है, पर इसके वजह से वो एमा के साथ कोई शरारत करने से नहीं रुकेगी, जो उसके चाल में हर बार फंस जाती है। आंखें बंद करना उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ लिली लगभग पकड़ाने ही वाली थी। अब वो होने ही वाला है, उस काली मिर्च का स्वाद उसे किसी भी समय परेशान करने ही वाला है। ओ, जैसा कि मुझे लगा था, यह तीखी जलन। प्यार और चुनौती में सब कुछ जायज है एमा, इसे ही खेल कहते हैं। वाह, अब ये कुछ असामान्य सा है। चलो इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, यह किसी तरह का गवी शीट की तरह दिख रहा है, पर यह है क्या? एमा यह देखने जा रही है कि उस बैग में क्या है जो उसे मिला है। यह तो कुछ अलग ही होने वाला है। यह एक पॉप रॉक का विशाल पैकेट है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉप रॉक को उस शीट पर छिड़क कर उसे रोल करने की योजना है। बहुत बढ़िया, अब यह एक विस्फोट, मजेदार और स्वादिष्ट। लिली अपने दोस्त के प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार है, पर एमा उसके किसी भी काम को आसानी से नहीं होने देगी। लिली जितना चाहती थी उससे थोड़ा ज्यादा। उप्स लिली, तुम इसमें से थोड़ा हटा सकती थी, बहुत ज्यादा शक्ति एक अच्छा विचार नहीं है। ओ, शुक्र है कि उसका चेहरा अभी भी एक टुकड़े में है। उफ, बाल बाल बच गई। एमा, यह मजाक तो खतरनाक रूप ले लिया, अगली बार सावधान रहना। खेल जारी है और हमारी प्यारी लड़कियों को आगे मिली है बहुत ही दिलचस्प बोतलें। बच्चे केवल इस तरह की मीठी कैंडी फ्लेवर से भरी हुई बोतलें पाने का सपना ही देख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा लग रहा है कि उस बोतल से पीना विशेष रूप से अच्छा नहीं है। ओ, लिली अब एमा के चिढ़ाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी बोतल को पकड़ लेती है और पिचकारी की तरह उपयोग करते हुए एमा के ऊपर वह मीठा धार छोड़ती है। चलो अब शांत हो जाओ। और अब अंत में कोला, दो रंगों में गुलाबी, यह तो निश्चित है कि यह नया है। पर लिली को इसको आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो साधारण वाले का एक घूंट लेना चाहती है। एमा अंत में पूरी तरह से भींग चुकी है, बस हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। एमा पहले अपनाए गए चाल का इस्तेमाल करेगी। अब डेजर्ट सबके लिए है। क्या आपको अच्छी चुनौतियाँ पसंद है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में बताएं और फिर अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें।